मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। दिनांक 08 नवंबर 2023 को SN विद्यालय इंटर कॉलेज मॉल रोड कानपुर में विभागीय निर्देशानुसार समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय संस्थापक की मूर्ति का माल्यार्पण तथा पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा विद्या की देवी सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक महोदय के कर कमलों द्वारा रिबन काट कर किया गया। कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं ने विभिन्न विषयों जैसे मानव हृदय, कृषि सुरक्षा से संबंधित अपनी वर्षा यूपीए पावर प्लांट, हाइड्रोलिक मिज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध आदि पर क्रियाशील मॉडल का प्रदर्शन किया। निर्णायिका के रूप में डॉक्टर अमिता सिंह रसायन विज्ञान विभाग SN सेन PG कॉलेज तथा हो शिवांगी यादव जंतु विज्ञान विभाग SN सेन PG कॉलेज छात्राओं की प्रतिभा को सराहा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। Gracias.
My name is Ashravi Dimashi and my project is Smart Dustbin, in which I use a sensor, servo motor and audio. So my name is Dikshita Sahni. The name of my project is Hologram. Basically, we are showing the dimensional object. We show the lights. Some lights off. वास्तविक में ये वास्तविक होलोग्राम जो प्रकाश की किरणों को दो भाग में विभाजित करता है, एक ऑब्जेक्टिव व्यू और एक रिफ्लेक्टिव व्यू में। तो जो इसमें जो नीचे प्लेट में बन रहा है वो ऊपर प्लेस भी आ जाता है। फ्यूचर में ये इफेक्टिव मैं प्रधानाचार्य SMCE बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज श्रीमती सविता यादव। आज हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और इस विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इसमें लगभग 200 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे सामने ये भी एक जानकारी हमें मिल जाती है कि इन बच्चों के अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है या इनके अंदर जो वैज्ञानिक छिपा हुआ है, इनके विचारधारा, वो सब हमारे सामने आ जाती है, जिसके आधार पे हम इनको मोटिवेट कर सकते हैं आगे इनके फ्यूचर के लिए।